This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हम जो है यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, किसकी? मैथ की। किस क्लास की? नाइन्थ क्लास की। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी कंसेप्ट नाइन्थ का मैथ पढ़ने में हमारे काम आने वाले हैं, वो सभी हम यहाँ पर पढ़ते हैं और आगे भी जो है वो हम पढ़ते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्योंकि ये रिविजन क्लासेस हैं तो ये थोड़ी सी फास्ट रहेंगी, तो आप बच्चों का कोई भी डाउट हो तो बच्चों आपने खुद मुझसे वो पूछ लेना है। ठीक है, माइक ऑन करके आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो, चैट बॉक्स में आप अपना डाउट लिख के पूछ सकते हो। पर आपने बस एक चीज का ध्यान रखना है कि आपके करंट क्लास में किसी भी तरह की कोई डिस्टर्बेंस बच्चों क्रिएट ना हो। चलिए, हम पढ़ रहे थे संख्या पद्धति के बारे में, जिसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। तो हम जो है किसके बारे में आज पढ़ेंगे वो मैंने आपको वैसे बता दिया है, तो अभी हम उसको फिर से जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पोल सेक्शन में दिए जाते हैं। जो ज्योति जी के नाम से बच्चा ज्वाइन हुआ है, ज्वाइन हुआ बेटा, अपना कैमरा ऑफ रखें। अपना कैमरा आपने तभी ऑन करना है जब आपको जो है वो नोटबुक दिखाने के लिए कहा जाए। ठीक है, ज्योति जी के नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है या ज्वाइन हुई है बेटा। चलिए, तो अब हम देखेंगे कि जो पोल सेक्शन है वो कहाँ होता है। तो बेटा पहले मैं आपको बताऊं कैमरा कहाँ से ऑफ होता है। तो देखिए, आपको ऐसे यहाँ पर वीडियो दिख रही होगी अपनी स्क्रीन पर, है ना? तो इस पे क्लिक करें तो बेटा आपका कैमरा जो है वो ऑफ हो जाएगा। इस पे क्लिक करें, जो ज्योति जी के नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है। ठीक है, देखते हैं। तो आगे तो आपको जो है अभी नंबर वन वाली स्क्रीन जो है बच्चों वो नजर आ रही होगी, जिसमें आपको थ्री डॉट्स नजर आ रहे होंगे। जब आप इन थ्री डॉट्स पे क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन नजर आएंगे, जिसमें से लास्ट ऑप्शन होता है एक्टिविटीज का, जिसपे आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा, वन पोल एक्टिव। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने इस पे क्लिक करना है तो आपको ऐसे चार ऑप्शन नजर आएंगे, जो भी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा जिस ऑप्शन में वो होगा, आपने उस ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपने जो है फिर वोट पर भी जाकर के क्लिक जो है वो कर देना है। ठीक है, तो अगर आप वोट पे क्लिक करना भूल जाते हो तो आपका आंसर जो है वो मुझ तक बच्चे नहीं पहुंच पाएगा। तो ये था पोल सेक्शन के बारे में। अगर आपको आगे चल के पोल सेक्शन के बारे में कोई भी डाउट रहता है तो आप जो है वो मुझसे जरूर जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, वो हम आज पढ़ने जा रहे हैं भिन्न के बारे में, फ्रैक्शन के बारे में, कि जो भिन्न है वो क्या होता है, कैसा दिखता है और उसके कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। P बटा Q के रूप की संख्या भिन्न कहलाती है। ठीक है, अगर हम किसी संख्या को P बटा Q के रूप में लिख पाए तो हम उसे कहते हैं भिन्न, जैसे कि 5/4, 3/7, 1/2 और आदि। ठीक है, तो ये P है, ये Q है, इसको यहाँ पर 5/4 मतलब कि P की जगह पर 5 है, Q की जगह पर 4 है और बीच में क्या है, बटे का निशान है। ठीक है, मतलब बटा, इसको हम बोलते हैं 5/4। तो देखिए, जहां पर जो P है वो किसको दर्शा रहा है, तो वो अंश को दर्शा रहा है और जो Q है वो हर को जो है वो दर्शा रहा है। ठीक है, जो आपका अंश और हर से मिलकर बनता है वही हमारा भिन्न होता है, वही हमारा फ्रैक्शन होता है। अंश को बोलते हैं न्यूमिरेटर और हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, ऊपर जो होता है वो हमारा बच्चों अंश होता है, नीचे जो होता है वो हमारा हर होता है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, अंश कहाँ होगा, अंश हमेशा ऊपर होगा, हर हमेशा नीचे होगा और इन दोनों से मिलकर क्या बनता है, तो इन दोनों से मिलकर बनता है हमारा भिन्न। यहाँ तक अगर सभी बच्चों को समझ आ गया है तो बच्चों आप क्या करिए, चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा भी डाउट है तो आप मुझसे अभी के अभी पूछें। बस आपको अभी इतना बताया गया कि P बटा Q के रूप में लिखा जाएगा, भिन्न में एक अंश होता है, एक हर होता है, ऊपर वाले को कहते हैं अंश और नीचे वाले को कहते हैं हर। ठीक है, वेरी गुड, समझ आ गया, तो बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे कि भिन्न जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, कितने इसके टाइप्स होते हैं। तो बच्चों भिन्न जो है वो तीन तरह के होते हैं, पहला है उचित भिन्न, दूसरा है विषम भिन्न और अनुचित भिन्न, और तीसरा है हमारा मिश्र भिन्न। ठीक है, तो अभी हम जानेंगे कि उचित भिन्न क्या होता है, अनुचित भिन्न क्या होता है और मिश्र भिन्न क्या होता है। उचित भिन्न को कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, विषम भिन्न या को कहते हैं अनुचित भिन्न, विषम भिन्न, दोनों नाम है एक ही भिन्न के। ठीक है, आप चाहे विषम भिन्न बोलो, आप चाहे अनुचित भिन्न बोलो, एक ही बात है, उसको इंग्लिश में कहते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और तीसरा होता है मिश्र भिन्न, जिसे हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इन तीनों के बारे में हम जानते हैं। तो उचित भिन्न, किस भिन्न को जो है हम उचित भिन्न के कैटेगरी में डालेंगे, उचित भिन्न के वर्ग में डालेंगे। तो देखिए, जब भी किसी भिन्न का अंश उसके हर से कम होता है, क्या होता है, अंश जो है वो हर से कम होता है, छोटा होता है, तो वो हर जो है उचित भिन्न कहलाता है। ठीक है, देखिए, जहां पर आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है 3/5, 3/10, 3/4, 5/3,
सात, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो हमारा अंश है, ये सारे हमारे अंश हैं, ये कहते मैम हैं। आपकी आवाज अच्छी तरह से नहीं आ रही, मैम सुनाई नहीं दे रही है। बेटा किस किस को मेरी आवाज अच्छी तरह से आ रही है, वो बच्चे वाई टाइप कर दें। जिन बच्चों को आवाज आ रही है वो वाई टाइप कर दें, जिन्हें नहीं आ रही वो एन टाइप कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो बेटा जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही, बेटा आप क्या करें, आप क्लास को एक बार लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन हो जाएं, तो आपको जो है आवाज में थोड़ा सा जो फर्क है वो नजर आएगा, ठीक है। तो देखिए, जो हमारे अंश हैं बच्चों वो छोटे हैं, और जो हमारे हर हैं वो कैसे हैं, वो सारे के सारे ही बड़े हैं। तो मतलब ये सारे भिन्न जो है वो कैसे भिन्न कहलाए जाएंगे, उचित भिन्न जो है वो कहलाए जाएंगे, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि हम कैसे इसे याद रखें, हम शायद इसे भूल जाए, हम शायद इसमें कंफ्यूज हो जाए, तो कोई बात नहीं, इसके लिए जो है हम एक छोटी सी ट्रिक यहाँ पर आज सीखने वाले हैं, जो थोड़ी सी आपको फनी लग सकती है, लेकिन इससे जो है आपको बहुत मदद मिलेगी उचित भिन्न को हमेशा के लिए याद रखने के लिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मान लीजिए ये जो डब्बा जैसा है, ये एक किसी की गोद हमने मान लिया, ठीक है, जिस गोद में उठाते हैं ना हम, तो गोद हमने मान लिया, या किसी का कंधा हमने यहाँ पर मान लिया। तो अगर नीचे कोई बड़ा इंसान खड़ा है, ठीक है, कोई बड़ा आदमी है नीचे, ठीक है, नीचे कौन है, बड़ा आदमी है, बड़ा इंसान है, जो कि उम्र में काफी बड़ा है, और उसकी गोद में बैठा है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर कोई छोटा सा बच्चा, यहाँ पर देखिए छोटा, यहाँ पर मान लीजिए कोई छोटा सा बच्चा जो है वो बड़े के ऊपर बैठा है, तो हम क्या कहेंगे, ये ठीक है, उचित है ना, क्योंकि जो बड़े होते हैं वही तो छोटों को उठाते हैं। अब छोटा थोड़े ना बड़े को उठाएगा, जो बड़े हैं वही तो छोटों को उठाएंगे, इसलिए ये जो है ये बिल्कुल उचित है। अगर हमारा जो अंश है वो छोटा है और हमारा जो हर है वो बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे ये उचित है, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, ठीक है। तो ये एक ट्रिक थी जिसे आपने याद रखना है, अगर आप कंफ्यूज होते हो उचित और अनुचित भिन्न में, तो आप इसे याद रख सकते हो कि अगर ऊपर छोटा है, किसी के कंधे पर, किसी बड़े के कंधे पर छोटी चीज बैठी है, तो मतलब ये उचित है, ये बिल्कुल परफेक्ट है, ये बिल्कुल प्रॉपर चीज है कि ऐसा हो सकता है, तो इसलिए हम इसको कैसा भिन्न कहेंगे, उचित भिन्न हम इसको कह देंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ आएगा तो फटाफट से बच्चों वाई टाइप कर दें, नहीं समझ आए तो आप मुझसे आप अभी के अभी फिर से बच्चों पूछ सकते हो, ठीक है। अंश जो है वो छोटा होना चाहिए, किस केस में, उचित के केस में, और हर जो है वो बड़ा होना चाहिए, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे उचित भिन्न। तो आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास है अनुचित भिन्न, तो उसको हम विषम भिन्न भी कहते हैं और अनुचित भिन्न भी जो है वो कहते हैं, ठीक है। जब भी किसी भिन्न का जो अंश है उसके हर से बड़ा होता है, देखिए जो उसका अंश है वो हर से बड़ा है, तो मान लीजिए ये 5/3 हमने यहाँ पर लिखा है ना, इसको हमने मान लिया था एक टोकरी या फिर एक गोद, तो ये हमने गोद मान ली। अब देखिए नीचे कौन है, नीचे जो है वो छोटा है, कोई छोटा बच्चा है, उसकी गोद में अगर कोई बड़ा इंसान आकर के बैठ जाए तो क्या ये ठीक होगा, क्या ये उचित होगा, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल ही क्या होगा बच्चों, अनुचित होगा या फिर विषम होगा। विषम मतलब, विषम का मतलब होता है अजीब, थोड़ा सा अलग, है ना, तो काफी अलग हमें लगेगा अगर कोई छोटा बच्चा किसी बड़े इंसान को उठा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये चीज थोड़ी सी विषम है, ये चीज थोड़ी सी जो है वो अनुचित भी है ना, क्योंकि जो क्या होगा, अगर कोई छोटा बच्चा बड़े को उठाएगा तो उसको चोट लग सकती है ना। तो यहाँ पर जो बड़े से हमारा मतलब है वो है हमारा, ऊपर जो बैठा है वो होता है हमारा अंश, है ना, और जो नीचे होता है बच्चों वो होता है हमारा हर। तो जब अंश हमारा बड़ा होगा, हर हमारा छोटा होगा, तो भिन्न हमारा या तो हम उसको विषम कहेंगे या तो हम उसको अनुचित जो है वो कहेंगे, ठीक है। अगर ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है तो वो बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल अनुचित है, विषम है। अगर ऊपर छोटा है और नीचे बड़ा है तो ये ठीक है, ये उचित है, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना, उचित है, लेकिन अगर इसका उल्टा है तो बच्चों वो अनुचित कहलाया जाएगा। आपको अगर यहां तक बच्चों समझ आ चुका है क्या है अनुचित क्या है उचित, तो आप वाई टाइप कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बेटा आपने किसी भी तरह की इमोजी का यूज जो है चैट बॉक्स में नहीं करना है, ठीक है, आप येस और नो टाइप यहाँ पर कर सकते हो, ओके। तो चलिए, अगर आपको समझ आ चुका है तो आप मुझे बताइए, एक क्वेश्चन यहाँ पर आप मुझे बताएंगे, ये कैसा भिन्न है, ये किस तरह का भिन्न है, क्या ये उचित है, उचित उचित है। वेरी गुड अनुचित वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, क्योंकि देखिए उचित है, ये बिल्कुल परफेक्ट है, ये बिल्कुल अनुचित प्रॉपर है। क्यों है प्रॉपर, क्योंकि देखिए ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, जो कि बिल्कुल उचित हम मानेंगे, इसमें हमें कोई अनुचित बात नजर नहीं आ रही है, बिल्कुल उचित है, ठीक है। आगे देखते हैं,
ये बताइए। मैं मनोचित बिन मनोचित बच्चे ने उचित बोला क्या? किसी बच्चे ने उचित कहा? ठीक है, तो अभी जितनों की मुझे आवाज आई तो मुझे अनुचित ही सुनाई दिया है। ये है अनुचित और इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम बच्चों विषम भी कह सकते हैं। ठीक है, विषम भिन्न भी हम इसको कह सकते हैं। चलिए, तो आगे एक और आपको क्वेश्चन मैं देती हूँ। बताइए ये कैसा भिन्न है? उचित कह रहे हैं वो बिल्कुल ही गलत कह रहे हैं, क्योंकि ये 80001 है और ये 80000 है, तो ये बड़ा है। 80001 जो है वो बड़ा है और 80000 जो है बच्चों वो छोटा होता है। ठीक है, अनुचित। हाँ, वेरी गुड। जो ज्योति जी के नाम से बच्चा आज ज्वाइन हुआ है, मुझे लगता है आपकी शायद ये पहली क्लास है, तो बेटा अपना माइक प्लीज आप ऑफ रखें। यहाँ पर जो है माइक और कैमरा ऑन नहीं, ऐसे हम करते हैं, कुछ हमने कहना हो तभी हम जो है वो ऑन करते हैं। ठीक है, वेरी गुड, आपने अपना माइक ऑफ कर दिया है, बहुत अच्छे। तो बताइए ये बड़ा है, अंश हमारा बड़ा है, हर हमारा छोटा है, तो जब ऊपर बड़ा हो नीचे छोटा हो तो ये क्या होगा? ये अनुचित होगा, क्योंकि अगर छोटी चीज ने किसी बड़ी चीज को उठा रखा है तो ये अनुचित है, ये बहुत ही विषम है, ये बहुत ही अजीब सी बात यहाँ पर हमें सुनने को मिल रही है, तो इसलिए ये विषम है, ये अनुचित है। ठीक है, तो अभी भी कुछ बच्चे कंफ्यूज है इसमें, तो आपको मैं थोड़ी सी और एग्जांपल दे देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर है 150/700, बताइए ये कैसा भिन्न है, उचित है या अनुचित है? उचित भिन्न, उचित में अनुचित भिन्न। उचित क्योंकि 150 से छोटा है। हाँ, क्योंकि 150 जो है 700 से क्या छोटा है, ऊपर जो है वो छोटा है, नीचे जो है वो बड़ा है। ठीक है, इसलिए जो है ये क्या होगा, ये उचित होगा। अच्छा, अभी एक बच्चे जो ज्वाइन हुए हैं, मुझे उनका नाम अभी नहीं दिख रहा, एक मिनट मैं आपको अभी बताती हूँ। क्योंकि कुछ बच्चे अभी भी इसमें कंफ्यूज हैं, तो बच्चे किसी का कोई डाउट है तो आप मुझसे जरूर पूछें। जो सोमवीर जी के नाम से बच्चा ज्वाइन हुआ है, बेटा प्रीति और अनु, है ना बेटा, आपका डाउट है मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आप थोड़ा सा अभी यहाँ पर गलत बोल रहे हैं, तो एक बार चलिए मैं आपको फिर से यहाँ पर समझा देती हूँ कि क्या उचित क्या अनुचित। ठीक है, जब देखिए जब भी हमारा जो आपको बस पता होना चाहिए दो चीजों के बारे में, एक आपको पता होना चाहिए अंश के बारे में, एक आपको पता होना चाहिए हर के बारे में। ठीक है, अंश जो है वो होता है ऊपर और हर जो है वो होता है नीचे, तो हम इसको एक ट्रिक लेके समझ रहे हैं यहाँ पर हम इसको एक ट्रिक मान रहे हैं कि ये जो है ये एक डब्बा आप इसको मान लीजिए, आप इसको किसी का कंधा मान लीजिए, तो अगर नीचे कोई बड़ी संख्या है मान लीजिए 150 और ऊपर कोई छोटी संख्या है मान लीजिए 20, 150 बड़ा है, 150 के सिर पे छोटी चीज है, है ना, 150 बड़ा है, 150 ने अपने सिर पर जो है वो छोटा सा कुछ उठाया है, छोटा सा भार या छोटी सी कोई चीज उठाई है, तो बच्चे ये उचित भिन्न होगा, क्योंकि ऊपर जो है वो छोटा होना चाहिए, नीचे जो है वो बड़ा होना चाहिए, है ना, ऊपर जो है वो छोटा होना चाहिए, नीचे जो है वो बड़ा होना चाहिए। अगर आपका अंश जो है बच्चे वो छोटा होगा और हर जो है वो बड़ा होगा तो ये उचित होगा, क्योंकि नीचे वाला अगर भारी है तो वो ऊपर वाली हल्की चीज को आराम से उठा सकेगा। ठीक है, इसलिए क्या है, उचित है। अब देखिए, अब अगर उल्टा हो जाए, है ना, अगर उल्टा हो जाए, अगर हम क्या करें, नीचे जो है वो हल्की चीज रख ले, मान लीजिए 20 नीचे आ गया और 150 जो है वो ऊपर आ गया, अब 20 किलो के आदमी पर हमने 150 किलो का भार जो है वो डाल दिया, तो क्या ये उचित होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये इसके भार से बहुत ज्यादा है, नीचे जो है वो बहुत छोटा है, वो बहुत पतला सा है, बहुत कमजोर है, लेकिन उसके ऊपर जो है वो बहुत भारी भरकम है, तो बच्चे ये जो है वो अनुचित होगा। ठीक है, ये अनुचित होगा। अगर आपका अंश जो है वो बड़ा है और आपका हर जो है वो छोटा है, छोटे के ऊपर आपको अगर बड़ी चीज दिख रही है तो ये बिल्कुल ही गलत है, ये बिल्कुल ही गलत नहीं पर मतलब ट्रिक के हिसाब से ये अनुचित है, ये विषम है। ठीक है, अब आपको समझ आया बेटा अनु और प्रीति कि कब उचित होगा कब अनुचित होगा, तो आप माइक ऑन करके बता दें। ठीक है, तो चलिए अभी मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, उसका आप बच्चों आप सभी आंसर देंगे। अब मैं आपको पूछ रही हूँ एक और क्वेश्चन, ये है 10005 और ये है 10004, बताइए ये कौन सा भिन्न है? अनुचित अनुचित अनुचित
उचित मैम, ध्यान से देखिए, ये 1005 है, ये सॉरी 10005 है, 10004 है, अनुचित। 10005 बड़ा है या छोटा, पहले आप मुझे ये बताएं, 10005 बड़ा है या छोटा? 10005 बड़ा, बड़ा बड़ा है ना, और जो 10004 है वो कैसा है? छोटा, 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 छोटा। अब बताइए कैसा भिन्न है? अनुचित। कैसा है? अनुचित, क्योंकि ऊपर जो है वो बड़ी संख्या आ गई, नीचे जो है वो छोटी आ गई, तो ये अनुचित है। ठीक है, माइक ऑफ करते बेटा सभी। हाँ, तो अब एक लास्ट क्वेश्चन आपको देती हूँ, फिर जो आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे पोल सेक्शन में, उससे पहले हम एक और चीज समझेंगे, फिर पोल सेक्शन में आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपने तब तक इस चीज को याद रखना है। अब देखिए, सबसे पहले आपने ये देखना है कि कौन बड़ा कौन छोटा। जो ऊपर है 1500 वो कैसा है? छोटा, छोटा, छोटा। और जो नीचे है 1600 वो कैसा है? बड़ा, बड़ा मैम। कैसा भिन्न हुआ? उचित भिन्न। वेरी गुड, उचित हुआ, बिल्कुल बढ़िया है, ये बिल्कुल परफेक्ट है, इसलिए उचित है। ठीक है, वेरी गुड, तो लगता है अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ चुका है, बाकी कोई भी डाउट होगा तो आपने बच्चे मुझसे जरूर पूछना है। चलिए, तो अभी हम देखते हैं कि मिश्र भिन्न क्या होता है। बहुत ही आसान होता है मिश्र भिन्न, बिल्कुल आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान होता है। इसका नाम हमने मिश्र क्यों रखा? क्योंकि ये एक मिश्रण है। ये मिश्रण है किसका? पूर्ण संख्या का। ठीक है, एक आपको यहाँ पर पूर्ण संख्या नजर आएगी और आपको यहाँ पर नजर आएगा उचित भिन्न। कैसा भिन्न? उचित भिन्न। बताइए उचित भिन्न का जो अंश होता है वो कैसा होता है? उचित भिन्न का अंश जो है वो बड़ा होता है या छोटा? अंश छोटा, हर बड़ा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, अंश छोटा और हर बड़ा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए, देख सकते हैं हम, तो मिश्र भिन्न में क्या होगा? एक पूर्ण संख्या होगी जिसे ऐसे लिखा गया होगा, और एक उचित भिन्न होगा, मतलब 4 सही 1/3, इसको हम क्या बोलेंगे? मिश्र भिन्न, इसको हम बच्चों बोलेंगे। ठीक है, 4 सही, और इसको कैसे पढ़ेंगे? 4 सही 1/3। ठीक है, तो क्या होता है, एक आपके पास पूर्ण संख्या होनी चाहिए, एक आपके पास उचित भिन्न होना चाहिए। तो चलिए आप मुझे बताएंगे अभी एक चीज, आप मुझे बताएं 3 सही 4/7, क्या ये एक मिश्र भिन्न है? यस मैम, यस मैम, यस भिन्न है। सभी बच्चे इसे यस ही कहना चाहते हैं या कोई नो वाला भी है? ठीक है, हाँ ये है, क्योंकि देखिए पूर्ण संख्या और ये कैसा भिन्न है? उचित भिन्न है। तो पूर्ण संख्या और उचित भिन्न ने मिलकर कैसा भिन्न बना दिया? आंसर आ जाएगा जी, मिश्र भिन्न। ठीक है बेटा, वेरी गुड। देखिए अब एक और क्वेश्चन आप मुझे बताइए, 9 सही 16/7, क्या ये एक मिश्र भिन्न है? मैम नहीं है, क्योंकि मैम उचित भिन्न है। नो मैम, क्योंकि ये तो हमारी पूर्ण संख्या है, लेकिन ये कैसा भिन्न है? ये जो है ये अनुचित भिन्न है। और हमने क्या कहा अभी 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 हमने कहा कि मिश्र भिन्न में क्या होता है? पूर्ण संख्या और उचित भिन्न होता है। ठीक है, वेरी गुड, आपको ये भी काफी अच्छे से समझ आ गया, बहुत अच्छे। चलिए, तो अभी के लिए क्या करते हैं, आपका चैट बॉक्स ऑफ कर देते हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन कहाँ दिए जाएंगे? पोल सेक्शन में। ठीक है, कुछ बच्चे अभी नए ज्वाइन हुए, बच्चों आप क्लास को जो है वो टाइम से ज्वाइन किया कीजिए, क्योंकि अभी देखिए हम पूरा कंसेप्ट समझ चुके हैं, पोल में क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आप क्लास में थोड़ा लेट आते हैं तो आप कंसेप्ट नहीं समझते हैं, बिना समझे ही फिर आपको जो है आंसर पोल में देना पड़ जाता है ना, क्योंकि लेट होने के कारण जो है वो क्लास आपकी थोड़ी बच्चों मिस हो जाती है, इसलिए आपको कहा जाता है कि क्लास को टाइम से अटेंड किया करें। अभी आपको मेरी स्क्रीन जो है वो नजर नहीं आ रही होगी, एक मिनट का आप मुझे समय दें। ठीक है, बस अभी आपको मेरी स्क्रीन जो है बच्चों वो नजर आने वाली है। ठीक है, अभी देखिए आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि 2/5 जो है वो किस तरह का भिन्न है, किस प्रकार का भिन्न है? क्या वो मिश्र भिन्न है, क्या वो उचित भिन्न है, क्या वो अनुचित भिन्न है, या इनमें से कोई भी नहीं? आप आराम से देखिए अपना आंसर, कोई जल्दबाजी नहीं है, अभी आपको बच्चों पोल नजर आ जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है, आप आराम से अपना आंसर सोच के रखें, अपना ऑप्शन नंबर देख लें कि कौन सा ऑप्शन आपने चूज करना है। 2/5 किस तरह का भिन्न है?
माइक ऑन करके अपना आंसर अभी कोई नहीं बताएगा, आप जो है बस क्या करें अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे दें, ठीक है। वेरी गुड, 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और 6 के 6 बच्चों के आंसर ठीक हैं, 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 9 बच्चों के ठीक है, 1 ने गलत कर दिया है, 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छे, 16, 17, 18, 19 बच्चे क्लास में हैं, 19 में से 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 7 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो बच्चों आप भी अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन में जा करके दे दीजिए। अगर किसी बच्चे को नहीं पता कि पोल सेक्शन कहाँ होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया, 14 में से 12 बच्चों के ठीक हैं, 2 बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया है, कोई बात नहीं, शायद वो अभी क्लास में ज्वाइन हुए होंगे इसलिए उन्हें थोड़ा यहाँ पर टाइम लगेगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो अभी हम पोल को एंड करते हैं, मतलब 10 सेकंड का मैं यहाँ पर आपको टाइम देती हूँ, जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया वो जो है पोल सेक्शन में जाकर के तब तक अपना आंसर दे दे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है बच्चों, पोल आपका हो चुका है एंड। 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 16 में से 13 बच्चों के ठीक है, बाकी बच्चों ने थोड़ा सा गलत यहां पर कर दिया है, तो आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा बच्चों। उचित बीन में, वेरी गुड, सभी बच्चों का आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर होगा बी, उचित भिन्न, क्योंकि देखिए ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है तो उसे हम कहते हैं उचित भिन्न, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, आपका आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अभी आपको जो है पोल सेक्शन में एक और क्वेश्चन आने वाला है, तो आपका मैंने अभी के लिए चैट बॉक्स कर दिया है ऑफ, आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ पर बताना है बच्चों, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि 5 सही 1/3 किस तरह का भिन्न है। ऑप्शन अपने आप जो है अपने ऑप्शन अच्छे से देख लें, चूज कर लें कि किस ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है और पोल सेक्शन में जाके उसी पर आप जो है वो बच्चों क्लिक करें, इधर उधर गलती से या जल्दबाजी में क्लिक ना कर दें, ठीक है। चलिए सभी बच्चे कोशिश करें, कौन सा भिन्न है आपने बताना है। 4 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 3 बच्चों के ठीक है, 1 बच्चे ने गलत कर दिया है। 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 4 बच्चों के ठीक है, 1 बच्चे ने गलत कर दिया है। 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 5 बच्चों के ठीक है, 3 बच्चों ने गलत कर दिया है। अभी भी कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों है, शायद ये अभी नए ज्वाइन हुए हों। आपने बताना है 5 सही 1/3 कैसा भिन्न है, क्या ये मिश्र भिन्न है या ये उचित भिन्न है या अनुचित है या इनमें से कोई भी नहीं। 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 15 में से 10 बच्चों के आंसर ठीक है, बाकी बच्चों ने गलत कर दिया है। जिन बच्चों ने आज की क्लास में, जो बच्चे आज की क्लास में सारे क्वेश्चन सही करेंगे उनका नाम मैं अगली क्लास में जरूर सभी को बताऊंगी, ठीक है। अभी हमने पिछला वाला क्वेश्चन किया ना, तो पिछले क्वेश्चन से लेकर के अभी पूरी क्लास में जो बच्चे हर एक क्वेश्चन को ठीक करता जाएगा उसका नाम जो है वो नेक्स्ट क्लास में मैं जरूर आप सभी को बताऊंगी। चलिए 10 सेकंड का हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं, फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है बच्चों, पोल आपका हो चुका है एंड और आपका चैट बॉक्स हो चुका है ओपन, आप अपना आंसर वहां भी दे सकते हैं। तो कौन सा भिन्न है बच्चों ये? वेरी गुड, बहुत अच्छे, मिश्र भिन्न है, क्योंकि देखिए ये क्या है, ये एक मिश्रण है, इसमें हमें एक संख्या भी दिख रही है एक भिन्न भी दिख रहा है, तो वो किसमें होता है, वो मिश्र भिन्न में होता है ना। तो आप सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, मिश्र भिन्न। चलिए अभी आपको एक और क्वेश्चन है जो पोल सेक्शन में आने वाला है, तो इसलिए आपका चैट बॉक्स अभी के लिए हम कर देते हैं ऑफ, अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं, है ना। तो आपको पूछा गया है बच्चों की 14/5, 14/5 कैसा भिन्न है, क्या वो मिश्र भिन्न है, उचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है या इनमें से कोई भी नहीं। तो आप इसे भी ध्यान से देखें, देखिए कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कहाँ पर बड़ा है, कहाँ पर छोटा है, क्या हम उसे कहते हैं, ठीक है। पोल आपके लिए ऑन हो चुका है, नहीं बेटा आपने जो है वो अपना माइक ऑन करके आंसर नहीं देना है, वैसे आपने आंसर थोड़ा सा शायद अपना गलत दिया जो जहां तक मुझे सुनाई दिया। वेरी गुड, 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से जो है वो सॉरी 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 8 बच्चों के ठीक हैं, 2 बच्चों के गलत हैं, 12 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है, बाकी बच्चे भी कोशिश करें। 20 बच्चे क्लास में हैं, लेकिन 20 में से 13 बच्चों ने अभी तक आंसर दिया है, बाकी बच्चे भी कोशिश करें। 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड बच्चों, सभी बच्चे कोशिश करें। 10 सेकंड का हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं, फिर हम क्लास को आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम इसको सॉल्व करने में आपको नहीं लगा होगा, है ना। तो जिन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं दिया है वो 10 सेकंड के अंदर अंदर अपना आंसर जरूर दे दीजिएगा। 10
नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन। ठीक है बच्चों, पोल आपका हो चुका है एंड और चैट बॉक्स आपका हो चुका है ओपन। आप अपना आंसर जो है वो वहां पर भी दे सकते हैं और अपना माइक ऑन करके भी आप बता सकते हैं कि कौन सा भिन्न है बच्चों ये। वेरी गुड वेरी गुड, ये अनुचित भिन्न है। क्यों है अनुचित भिन्न, कोई बच्चा इसका रीजन बताएगा? क्योंकि अंश बड़ा और हर छोटा है। वेरी गुड, क्योंकि जो हमारा अंश है बच्चों वो कैसा है, वो बड़ा है, और जो हमारा हर है वो कैसा है, तो हर जो है वो हमारा छोटा है। छोटे के ऊपर बड़ा चीज हमने रख दी है, छोटे से पांच के ऊपर हमने इतना बड़ा 14 रख दिया, तो क्या है ये चीज, तो अनुचित है, ये तो विषम है ना, तो इसलिए जो है ये अनुचित भिन्न होगा। अगर बच्चों यहाँ पर ऐसा होता, अगर यहाँ पर 5/14 होता तो ये कैसा भिन्न होता? उचित भिन्न मैम। वेरी गुड, उचित भिन्न होता, क्योंकि देखिए 5 छोटा है 14 बड़ा है, बड़े पे छोटा रखा है, तो वो क्या है, वो उचित है ना, वो उचित होगा, वो अनुचित होगा। हाँ जी बेटा, उचित भिन्न। ठीक है ओके, चलिए तो ये क्या है, अनुचित भिन्न है 14/5। ठीक है आगे बढ़ते हैं, तो इसका हम फटाफट से यहाँ पर जो है वो समरी देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर अभी सिखाया गया कि भिन्न किसे कहते हैं और भिन्न के कितने प्रकार होते हैं। जो बच्चे क्लास में लेट ज्वाइन हुए हैं बच्चों, अभी आधा घंटा क्लास का हमारा हो चुका है, तो इसलिए आधे घंटे तक हमने क्लास में क्या क्या पढ़ा वो आप प्लीज क्लास की रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा, क्योंकि वहां पर आपको जो है उचित भिन्न और अनुचित भिन्न के लिए एक ट्रिक सिखाई गई है, जो अभी हम नहीं बता सकते क्योंकि क्लास का टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा है ना। तो उस ट्रिक को अगर आप जानना चाहते हैं तो क्लास की रिकॉर्डिंग जरूर आप देखिएगा। चलिए, तो अभी हमने देखा कि भिन्न किसे कहते हैं और भिन्न के कितने प्रकार होते हैं। तो भिन्न के बच्चों 3 प्रकार होते हैं, पहला है उचित भिन्न, दूसरा है विषम भिन्न और अनुचित भिन्न, और तीसरा है मिश्र भिन्न। ठीक है, उचित भिन्न में क्या होगा, उचित भिन्न में जो हमारा अंश है वो छोटा होगा और जो हमारा हर है वो बड़ा होगा। ठीक है, बड़े के ऊपर छोटा, और जो अनुचित है विषम है उसमें जो हमारा अंश है वो होगा बड़ा है ना, और जो हमारा हर है वो होगा छोटा। ठीक है, और जो हमारा मिश्र भिन्न है वो सभी को पता है, उसमें एक संख्या होगी और साथ में क्या होगा, एक उचित भिन्न होगा, उसको हम कहेंगे हमारा मिश्र भिन्न। तो यहां तक अगर आप सभी बच्चों को समझ आ चुका है तो वाई टाइप करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो बच्चे क्लास में लेट ज्वाइन हुए, आपका कोई भी डाउट होगा तो आप क्या करेंगे, आप जो है क्लास के बाद रुक के मुझसे जरूर पूछेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब बच्चों हम यहाँ पर क्या सीखने वाले हैं, अब हम सीखेंगे कि भिन्नों को कैसे, भिन्नों का रूपांतरण कैसे किया जाए, इनको जो है वो कन्वर्ट कैसे किया जाए। तो हम किसको किसमें कन्वर्ट करने वाले हैं अभी, बेटा जो विजय जी के नाम से बच्चा ज्वाइन हुआ है, बेटा आपने ऐसा नहीं करना है, चैट बॉक्स में आपने बार बार वाई नहीं लिखना है। क्लास में रहने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, जो बच्चे नए ज्वाइन हुए हैं, ना तो आप अपना माइक ऑन करके कुछ भी आलतू फालतू के शब्द कहेंगे, ना तो आप चैट बॉक्स में कुछ भी आलतू फालतू के बातें लिखेंगे, ना ही किसी इमोजी का आप यूज करेंगे, ना ही आप बार बार चैट बॉक्स में जो है वो वाई टाइप करेंगे, और ना ही आप बार बार जो है वो हैंड रेज करेंगे। ठीक है, ये आपके कुछ रूल है, ना तो माइक ऑन आपने करना है फालतू बातों के लिए, ना चैट बॉक्स में कुछ लिखना है, ना ही बार बार वाई टाइप करना है, आप एक बार ही वाई टाइप करें। ठीक है, और हैंड रेज भी कोई बार बार बच्चे यहां पर नहीं करेगा। अभी भी किसी बच्चे का माइक ऑन है तो बेटा माइक अपना ऑफ रखें। जो कुलदीप जी के नाम से बच्चा ज्वाइन हुआ बेटा अपना माइक ऑफ रखें। ठीक है, वेरी गुड, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए भिन्नों का रूपांतरण हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, तो विषम भिन्न को जो है वो हमने किसमें चेंज करना है, हमने जो है विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में चेंज करना है, मिश्र भिन्न में बदलना है। तो 15/4 कैसा भिन्न है हमारा, विषम भिन्न है। क्यों है, क्योंकि 15 बड़ा है 4 छोटा है, जब छोटे के ऊपर बड़ा होगा तो वो अनुचित होगा, विषम होगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हम विषम मिश्र भिन्न में बदलेंगे। तो सिंपल सी बात है, देखिए पहले हम इसको एक लाइन में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ये हमारा 15 है, ये ऊपर है। ठीक है, जो ऊपर होगा, जो ऊपर होगा वो सबसे पहले आएगा, तो यहाँ पर आ गया 15, फिर है बटा का निशान, तो इस बटे का बच्चों क्या बन जाता है, इस बटे का बन जाता है भाग। ठीक है, बटे का बन जाता है भाग, और 4 जो है वो नीचे है, तो 4 हमारा बाद में आएगा 4। तो मतलब कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है, 15 को जो है वो 4 से भाग दिया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, 15 को 4 से भाग दिया जा रहा है। तो चलिए देते हैं यहाँ पर, तो मैंने यहाँ लिखा, और देखिए ये 15 कहाँ आएगा, 15 आएगा अंदर और 4 रहेगा बाहर। ठीक है, 15 कहाँ जाएगा, अंदर और 4 रहेगा बाहर। ठीक है, तो चलिए इसको भाग देते हैं, तो 4 तीन होता है बच्चों 12, माइनस कर दीजिए
तो पांच में से तीन गए तो बस दो गए तो बचता है तीन, और यहाँ पर क्रॉस, ठीक है। तो इस तीन को मैं दूसरी तरफ लिख देती हूँ। अब इसको जो है हमने मिश्र भिन्न में जो है वो बदलना है। क्या करना है? मिश्र भिन्न में बदलना है। तो कैसे हम बदलेंगे? आप चाहे तो बच्चों सूत्र का यूज कर लीजिए, ठीक है। एक सूत्र आपको बताया जाएगा, 15 सही 4 बटे 3। नहीं बेटा गलत है ये, इसलिए देखो तो आप यहाँ पर समझिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर सूत्र क्या कहता है, सूत्र कहता है कि भागफल सही शेषफल, ठीक है, शेषफल बटा भाजक। अब जिन बच्चों को पता होगा कि क्या भागफल क्या शेषफल क्या भाजक, वो तो इसे आसानी से कर लेंगे, पर जिन बच्चों को नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ। ये होता है हमारा भागफल, ठीक है, भाग, जिन बच्चों को नहीं पता अपनी कॉपी पे जरूर लिख लें। ये होता है भागफल, ये होता है शेषफल, ये होता है भाजक, भाजक, और ये होता है भाज्य, ठीक है। तो अब यहां पर सूत्र के हिसाब से अगर हम चले तो हमारे पहले क्या आएगा, तीन आएगा, फिर ऐसे डैश लगेगा, शेषफल जाएगा ऊपर तीन, और फिर भाजक आएगा नीचे चार, ठीक है। तो ये सूत्र है, अगर आपको याद होता है तो बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, आप सूत्र के हिसाब से कीजिए। पर अगर आपको सूत्र याद नहीं होता तो बच्चों कोई बात नहीं, आपके पास मेरे लिए एक और जो है वो छोटी सी ट्रिक है जिससे आपको सूत्र याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पर आपने याद रखना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में अगर सूत्र आ गया तो आपने फिल करना होगा ना, उसको आप कैसे छोड़ सकते हैं, तो उसको गलत नहीं करना है, तो आपने जो है वो सूत्र याद रखना है। अब देखिए इसके लिए ट्रिक क्या है, तो ट्रिक ये है कि आप भागफल से चलना शुरू कीजिए। कहां से चलना शुरू कीजिए? भागफल से चलना शुरू कीजिए, कहां को? भाजक को। यहां से यहां को आपने चलना है, जैसे हमारी सुई चलती है, सुई कहां से चलती है? यहां से, इस ऐसे चलती है ना, इस डायरेक्शन में, ऐसे 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 ऐसे, है ना। तो यहां से आपने चलना है और यहां को आना है, तो जहां से हम चलना शुरू करेंगे उसे हम सबसे पहले लिखेंगे। मैंने जो है वो तीन से चलना शुरू किया तो मैंने सबसे पहले लिख दिया यहाँ पर तीन, उसके बाद लगा दिया बटा, फिर रास्ते में चलते चलते जो मिलता जाएगा उसको आप लिखते जाइए। तीन से मैंने चलना शुरू किया तो मुझे रास्ते में शेषफल मिला, मेरा तीन मिला, तो तीन आ जाएगा ऊपर, है ना। और उसके बाद आगे चलते चलते और हम चले तो आगे मुझे मिला चार, जो कि आ जाएगा इसके नीचे। तो ये देखिए तीन सही, 3/4 इसका जो सही उत्तर है। सूत्र लगा के भी हमें यही उत्तर मिला, ट्रिक लगा के भी हमें यही उत्तर मिला। तो बच्चों ये आप पे डिपेंड करता है, आप सूत्र के हिसाब से चले या फिर ट्रिक के हिसाब से चले, पर आपने याद रखना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, चार से ऐसे, मतलब चार से ऐसे को चलते हैं, तो ऐसे को नहीं चलना है, आपने जो है भागफल से चलना है, यहां से आपने चलना है और यहां तक आपने पहुंचना है। तो अगर आपको यहां तक समझ आ गया तो बच्चों वही टाइप कर दीजिए, कोई भी डाउट है तो मुझसे अभी के अभी आप पूछें। कोई भी आपके मन में डाउट आ रहा हो, कोई भी आपके मन में बात आ रही हो इस क्लास से रिलेटेड, जो भी हमने पढ़ा इससे रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछें, अपने मन में कोई भी डाउट बिल्कुल भी ना रखें, ठीक है, ठीक है। बेटा फिर से आपका माइक ऑन हो गया है, विजय जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है ऑफ रखें इसे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर भी जो है ऐसा ही किया गया है। एक मिनट, आपको मेरी स्क्रीन अभी नजर नहीं आएगी बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पर टेक्निकल इशू हो जाता है, बस एक मिनट का मुझे समय दें, तब तक के लिए आप अच्छे से समझे अपने क्वेश्चंस को, है ना। अभी आप मुझे जो है वो 30/4 को मुझे जो है आप मिश्र भिन्न में बदल के दिखाएं। ऊपर 30 है, नीचे 4 है, उसको आपने जो है मिश्र भिन्न में बदलकर मुझे दिखाना है। जब तक आपको स्क्रीन नजर आती है तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, आपका कैमरा ऑन करवा के जो है वो आंसर देखा जाएगा। ऊपर 30 है, 30/4 उसको जो है आपने क्या करना है, हल करना है। मैम 7 सही 2/4। ठीक है बेटा एक मिनट, तब तक के लिए सभी बच्चे जो है वो अपना क्वेश्चन करके रखें, क्योंकि अभी आपके जो है वो कैमरा ऑन करके मैं आपका क्वेश्चन देखूंगी कि कहां आपने सॉल्व किया है। अभी आपको मेरी स्क्रीन जो है वो नजर आ रही होगी, है ना। चलिए, तो जिन बच्चों ने सॉल्व कर दिया 30/4 वो मुझे बताएं अपनी कॉपी, कहां आपने इसे सॉल्व किया और कैसे आपने इसे सॉल्व किया।
अपना कैमरा ऑन करें और अपनी नोटबुक दिखाएं। किसी बच्चे ने हल नहीं किया क्या? अच्छा, एक बच्चे दिखा रहे हैं। भूमि अपनी नोटबुक दिखा, बेटा बैक कैमरा ऑन करें। बैक कैमरा ऑन करने के लिए देखिए आपको ऊपर स्पीकर दिख रहा होगा ना, स्पीकर के बिल्कुल साथ में एक ऐसा बना होता है आइकन। ठीक है, ठीक है, सात सही, 2/4 आप कह रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। बाकी बच्चे भी दिखाएं, जैसे कि यहाँ पर दिखा रहे हैं सीमा, हाँ आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। अंजू आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है। विजय जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ बेटा, अगर आप ऐसी ही हरकत यहाँ पर करते रहेंगे तो मुझे आपको क्लास से रिमूव करना होगा। आप प्लीज ऐसा ना करें, चैट बॉक्स में आप इतने सारे इमोजी ना भेजें, नहीं तो मुझे आपको क्लास से रिमूव करना होगा और आपको क्लास हम फिर से एंटर यहाँ नहीं करने देंगे, क्योंकि ऐसी क्लास में डिस्टर्बेंस होती है। तो आप प्लीज मेरी बात सुने, ये मेरी तरफ से आपके लिए बेटा लास्ट वार्निंग है। ठीक है, जो सोमवीर जी के नाम से, बेटा आपने भाग तो ठीक किया ना, पर आप इसको लिख के बताएं कैसे आपने इसे लिखा, वो नजर नहीं आ रहा मुझे। जो प्रीति और अनु जी के नाम से हैं, आपने जो इसे लिखा ना जब चेंज करके, वो दिखाइए। आपने भाग तो ठीक किया है, वो तो मैंने देखा, पर आप इसे जब बदल के लिखेंगे वो आपका नहीं नजर आ रहा है। चलिए ठीक है, तो अभी कुछ बच्चों की नोटबुक मैंने देखी। ठीक है, जो हेमंत जी के नाम से बच्चा ज्वाइन हुआ है, विशु आपका आपका बिल्कुल सही आंसर, हाँ अब आपका ठीक है बेटा। जो है यहाँ पर अनु और प्रीति के नाम से, आपका ठीक है। विशु आपका भी ठीक है बेटा, आप अपना कैमरा ऑफ कर सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो ये देखिए, अभी आपको मैंने दिया था 30/4, तो ये था 30, ये था 4, है ना। हमने क्या करना था, इसको भाग देना था, 4 आएगा बाहर और 30 जाएगा अंदर। तो 7 चौके कितना होता है, सभी को पता है 7 चौके होता है 28, है ना, माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 8, तो फिर 2 क्रॉस। ठीक है, तो अब अगर सूत्र के हिसाब से चले तो सूत्र बोलता है कि पहले अपना भागफल लिख लो, फिर जो है अपना शेषफल लिख लो, फिर जो है वो अपना भाजक लिख लो। ठीक है, भाजक अपना लिख लो। तो उसके हिसाब से चलें तो देखिए, भागफल है 7, शेषफल है 2 और भाजक है 4। ठीक है, अगर हम अपनी ट्रिक के हिसाब से चलें तो मैंने 7 को यहाँ पर लिख दिया, इसे जो है थोड़ा आसान रहता है क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, तो 7 से मैं चलना शुरू करूंगी यहाँ को, तो सबसे पहले आएगा 7, फिर चलते चलते कौन आया, 2 आया तो 2 लिख दिया, फिर चलते चलते कौन आया, 4 आया तो नीचे 4 लिख दिया। देखिए ऐसे भी आंसर ठीक आया, ऐसे भी आंसर ठीक आया। ठीक है, तो आप सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये था इसका आंसर और इसका सूत्र, भागफल शेषफल भाजक। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ आ चुका है, बहुत अच्छे। अगला आपके सामने क्वेश्चन है बच्चों, 76/9 को जो है वो मिश्र भिन्न में बदलिए। सभी बच्चे कोशिश करें, फिर अपनी नोटबुक मुझे दिखाएं अपना कैमरा ऑन करके। पहले आप इसे सॉल्व करें, 76 है उसके बटे में 9 है, उसको आपने मिश्र भिन्न में जो है वो बच्चों बदलना है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। भूमि, बहुत ही जल्दी आपने अपना आंसर दे दिया और बिल्कुल ठीक आपका आंसर है, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करें बच्चों, बिल्कुल ही सिंपल सा और इजी क्वेश्चन है ना। वैसे तो आप सभी इससे सही करेंगे ऐसी मुझे उम्मीद है, पर सभी बच्चे अपनी नोटबुक मुझे जरूर दिखाएं, कोई भी गलती होगी तो बच्चों मैं आपको उसी वक्त बता दूंगी। ठीक है, सभी बच्चे कोशिश करें और अपना जो है वो कैमरा ऑन करके अपनी नोटबुक दिखाएं। ठीक है बेटा, अंजू आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, सीमा आपका आंसर भी बेटे बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी दिखाएं, विशु आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे। जो विजय जी के नाम से बच्चा ज्वाइन हुआ है, ज्वाइन है बेटा, आपका आंसर गलत है, ये इसका आंसर नहीं है, आप इसे कॉपी पे ट्राई करें और उसका आंसर बताएं। ठीक है, अनु और आठ सही, 4 बेटा, ठीक है, ओके बेटा। साहिल आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करें, कोई बच्चा है जो अपनी नोटबुक दिखाना चाहता है तो खुद से आप बता दें। भवित आप अपनी नोटबुक क्यों नहीं दिखाते बेटा, आप भी अपनी नोटबुक दिखाया करें अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो। हर्ष निखिल आप भी बेटा अपनी नोटबुक दिखाया करें। समीर आप भी अपनी नोटबुक दिखाया करें बच्चों, सभी बच्चे अपनी नोटबुक दिखाया करें। चलिए तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा।
यहाँ पर है 76 और यहाँ पर है 9, तो 9 से हम भाग दे देंगे 76 को 76 को, तो 9 8 कितना होता है, 9 8 होता है 72, है ना, तो माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर क्रॉस और यहाँ पर आ गया 4। तो अब इसको चलेंगे हम क्लॉकवाइज, यहाँ से यहाँ को चले तो हम क्या पाते हैं कि सबसे पहले आया 8, फिर आया 4, फिर आया 9। ठीक है, अगर सूत्र के हिसाब से चलें तो सूत्र बोलता है कि पहले लिखो भागफल, भागफल 4 है, फिर लिखो शेषफल, भागफल 8 है, फिर लिखो शेषफल, तो शेषफल 4 है, और फिर लिखो भाजक, तो भाजक 9 है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है जो कि सभी बच्चों का बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। तो अब देखिए, अभी यहाँ पर हम सीखेंगे कि जो हमारे मिश्र भिन्न होते हैं उनको हम कैसे जो है वो विषम भिन्न में बदल सकते हैं। अभी तक हमने सीखा कि कैसे हम जो है वो ऐसे भिन्नों को जो है वो ऐसे में बदलें। अब हम सीखेंगे कि कैसे जो है हम इस तरह के भिन्नों को वापस से इसमें बदलें। ठीक है, तो ये हम अभी सीखेंगे, तो बिल्कुल आसान है बच्चों, इसमें भी कोई ज्यादा मुश्किल की बात नहीं है। जी बेटा, हम 17/8 आएगा, वेरी गुड, बहुत अच्छे, 2 सही 1/8 यहाँ पर हमने लिखा है। तो बच्चों हमने इसमें करना क्या होता है, देखिए जो 2 है, जो बीच में संख्या है, पहले उसको जो है वो नीचे वाले से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। ठीक है, गुणा कर दीजिए, फिर उसका हमारे पास एक उत्तर आएगा। जब मैंने 8 को 2 से मैंने गुणा किया तो मेरे पास उसका, यहाँ पे बराबर है का साइन लगाया मैंने, उसका मेरे पास एक उत्तर आया होगा, तो उस उत्तर में जो है वो इस 1 को जोड़ देना है। ठीक है, इस वाले को नीचे वाले से गुणा करो, गुणा करके एक उत्तर आपके पास आएगा, उस उत्तर में ऊपर वाले को मतलब अंश को जोड़ दो। बिल्कुल सिंपल है, संख्या को हर से गुणा करो, जो आपका आंसर आता है, उत्तर आता है, उसमें अंश को जोड़ दो। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, आपने भी इसे ऐसे ही लिखना है जैसे यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा। 2 को गुणा कर दीजिए 8 से, ब्रैकेट लगा दीजिए, फिर उसमें जो है वो 1 जोड़ दीजिए, और हर में कितना आएगा, तो देखिए इसके हर में क्या है, इसके हर में 8 है, है ना, इसके हर में 8 है, तो इसके हर में भी 8 ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए 8 दूनी होता है 16, 16 में 1 जोड़ दीजिए, पौन में तो 8 ही रहेगा, 16 में 1 जोड़े तो होता है 17, 17/8 ये जो है वो इसका सही उत्तर है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल था ये, नीचे वाले को कर दो गुणा और ऊपर वाला उसमें जोड़ दो, और हर में जो यहाँ पर हर में है वही इस हर में भी रहता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे देखिए, जहां पर जैसे मैंने आपको बताया वैसे यहाँ पर किया गया है, 8 × 2 = 1 17/8। चलिए अगला अगला क्वेश्चन करके बताएं, 3 सही 5/7 को जो है बच्चों आप विषम भिन्न के रूप में लिख के बताएं मुझे, और अपनी जो है कॉपी भी चेक कराएं। मैम 105/7, नहीं बेटा 105 तो बहुत बड़ा हो जाएगा, नीचे वाले से गुणा कीजिए ना, 3 को देखिए 7 से गुणा कीजिए, जो आपका उत्तर आता है उसमें 5 को जमा करना है, उसमें गुणा नहीं करना है, 5 को जमा करना है। मैम 26/7, जी गुड, आपने अगर इसे कॉपी पे नोट किया तो आप अपनी नोटबुक दिखा सकते हैं बेटा भूमि, बाकी बच्चे भी सॉल्व करें और अपने जो है वो दिखाएं। ठीक है अंजू का, ठीक है, और विशु आपका भी ठीक है, बट तो ऐसे लिखो जैसे मैंने आपको लिखने के लिए कहा वैसे लिख के बताएं, जैसे देखिए अनु ने और प्रीति ने लिखा है वैसे इसे लिखें तो ज्यादा अच्छे से मुझे पता लगेगा कि आपको समझ आ चुका है। हाँ, जैसे इन्होंने लिखा है कि 3 × 7 = 5, वेरी गुड बेटा, जो प्रीति और अनु के नाम से है, बहुत अच्छे। भूमि आपका भी बिल्कुल सही आंसर है बेटा, ऐसे आपने लिखना है बच्चों, ठीक है, जैसे अभी भूमि और प्रीति और अनु ने लिखा है, वेरी गुड अंजू आपका भी बिल्कुल ठीक है, अब आपने इसे वैसे लिख के दिखा है ना, तो इसमें आप ब्रैकेट लगा दीजिएगा। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, सीमा आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए तो अभी हम क्या करते हैं, इसका सोल्यूशन देखते हैं, फिर आपको जो है पोल में क्वेश्चन मिलेंगे तो फटाफट से हम उन्हें भी करते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल सिंपल है, हमने क्या करना है, पहले 3 को 7 से गुणा कर देना है, तो यहाँ लिख दीजिए 3 × 7 और ऐसे ब्रैकेट लगा दीजिए, नहीं तो आप क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आप इसको सीधे ऐसे लिखोगे तो आप क्या कर दोगे, 7 और 1 को जमा कर दोगे, जो कि बिल्कुल आपका आंसर फिर गलत हो जाएगा, है ना, तो ऐसा नहीं करना है। इसलिए क्या कीजिए, 3 को 7 से गुणा करोगे तो ऐसे ब्रैकेट लगा दीजिए, और फिर जमा का निशान जो आपको इसके साथ गुणा करके मिलेगा उसमें आपने इसको जमा करना है, गुणा नहीं करना है। ठीक है बेटा, जो भी आपका 3 × 7 करके आएगा उसमें 5 को जमा करना है, और हर में जो है वो 7 ही आएगा, क्योंकि हर में 7 ही है,
साथ यहाँ पर लिख दिया, सातिये होता है 21, उसमें जमा कर दीजिए 5, अपॉन में बटे में है 7, 21 जमा 5 होता है 26, तो इसका आंसर आया 26/7, जो कि हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको यहाँ तक समझ आ चुका है तो सभी बच्चे वाई टाइप कर दें, किसी का कोई डाउट है तो मुझसे जरूर पूछे। और जो बच्चे क्लास को अभी ज्वाइन कर रहे हैं बेटा, प्लीज आप क्लास को जो है वो 8:30 बजे ज्वाइन कर लिया करें, 8:25 पे ज्वाइन कर लिया करें, इतनी लेट आप क्लास को ज्वाइन ना करें, क्योंकि आधी क्लास देखिए, आधे से ज्यादा क्लास जो है वो हमारी खत्म हो चुकी है ना, इसलिए टाइम से जो है आप सभी बच्चे क्लास को ज्वाइन किया करें। ठीक है, तो अभी के लिए मैंने आपका बच्चों चैट बॉक्स ऑफ कर दिया है, अब जो है हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आप देंगे पोल सेक्शन में। तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा कि 5 सही 1/3 को जो है वो आप विषम भिन्न के रूप में बदल दीजिए। ठीक है, बिल्कुल आराम से आप अपना क्वेश्चन करें, कोई जल्दबाजी और लापरवाही में अपना आंसर गलत ना कर दें बच्चों, बिल्कुल आराम से आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करें और अपना आंसर जो है वो पोल सेक्शन में जाकर के दें। अभी के लिए आपका माइक और कैमरा मैंने ऑफ कर दिया है, क्योंकि कुछ बच्चे जो है वो माइक ऑन करके अपना आंसर बोलने लग जाते हैं, जो कि ऐसा आपने नहीं करना है बिल्कुल भी, है ना। 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और अभी तक 5 के 5 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छे, बाकी बच्चे भी कोशिश करें। 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश बच्चों। 13 बच्चे क्लास में है, 13 में से 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 7 बच्चे अभी भी रहते हैं, वेरी गुड, 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 5 बच्चे अभी भी रहते हैं, सभी बच्चे कोशिश करें और अपना आंसर जो है वो पोल सेक्शन में जरूर जरूर दें। ठीक है, तो 10 सेकंड का हम यहां पर वेट कर लेते हैं, फिर जो है क्लास को आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, आपका पोल बच्चों अभी के लिए हो चुका है एंड और आपका चैट बॉक्स हो चुका है ओपन और आपका माइक भी ओपन हो चुका है। ठीक है, तो अभी क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी था तो इसके लिए जो है आपकी नोटबुक मैं चेक नहीं करूंगी, क्योंकि काफी मतलब कि 9 बच्चों का आंसर आया था, तो 9 में से 8 बच्चों ने ठीक दिया है अपना आंसर, तो इसलिए जो है इसका इसमें नोटबुक देखने की जरूरत हमें नहीं है, हम इसको डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 को हम पहले 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है, और उसमें जो है वो 1 को जोड़ देंगे और नीचे जो है 3 का 3 ही हम लिखेंगे, क्योंकि इसके हर में भी 3 ही तो है, तो यहाँ पर भी 3 ही होगा, है ना। तो देखिए 5 3 होता है 15, 15 में 1 जोड़ दो तो आता है 16, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर उत्तर आएगा 16/3, जो कि है ऑप्शन नंबर ए में, जो कि काफी बच्चों का सही है, 1-2 बच्चों ने गलत कर दिया है, तो कोई बात नहीं, अगले सवाल में जो है वो बच्चे भी ध्यान से अपना क्वेश्चन सॉल्व करें। चलिए, अभी आपकी स्क्रीन पर जो एक और क्वेश्चन बच्चों आने वाला है, तो आपका चैट बॉक्स मैंने दोबारा से जो है वो ऑफ कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको यहाँ पर कहा गया है कि 78/11 को जो है वो मिश्र भिन्न में बदलिए, 78/11 को आपने मिश्र भिन्न में बदलना है, आप इसे अच्छे से बच्चों सॉल्व करें और अपना आंसर जो है वो पोल सेक्शन में जा करके दें। एक मिनट, अभी आप इसमें आंसर ना दे बच्चों, एक मिनट रुके। एक मिनट रुके, अभी आपको पोल नजर नहीं आ रहा होगा। मैम पोल नजर नहीं आ रहा जी बेटा, अब देखिए जरा, अब आपको नजर आ गया होगा। हाँ जी,
ठीक है। तो अभी सात बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जो सात के सात बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पर 10 सेकंड का वेट कर लेते हैं, फिर क्लास को आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है बच्चों, पोल आपका हो चुका है एंड और आपका चैट बॉक्स हो चुका है ओपन। बहुत से बच्चे अभी भी जो है वो गलत आंसर दे रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? बिल्कुल ही इजी आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, बिल्कुल ही बच्चों वाले क्वेश्चन ये हैं, है ना। तो आप थोड़ा इनको ध्यान से करें, सोच समझ के करें, बिल्कुल ही इजी है, कोई इसमें टफ नहीं है। हमने जो है वो 78 को 11 से यहाँ पर जो है बच्चों भाग देना था, तो 11 सत्ते होता है 77, तो यहाँ पर मैं लिख दिया 11 सत्ते 77 और माइनस कर देंगे इसको, तो यहाँ पर क्रॉस और यहाँ पर आ गया, सॉरी हाँ यहाँ पर क्रॉस और यहाँ पर एक। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे? तो इसको हम लिखेंगे 7 सही 1/11, क्योंकि यहाँ से हमने चलना शुरू किया था और यहाँ पर आया 7 और 1/11। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है, जो कि काफी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। फिर से जो है वो 2 बच्चों ने आंसर गलत किया है, तो किन 2 बच्चों ने आंसर गलत किया है ये हमें अगली क्लास में पता चल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है जो इसका सही उत्तर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं कि कैसे 10/8 को या फिर कैसे जो है वो भिन्नों को सरलतम रूप में लिखा जाए। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा सा टाइम बचा है तो इसको फटाफट से यहाँ पर हम समझ लेते हैं। आपको यहाँ पर कहा गया है कि 10/8 को इसके सरलतम रूप में लिखिए, तो बताइए कौन बच्चा है जो इसको इसके सरलतम रूप में बता सकता है कि कैसे लिखना है? 0.8। नहीं बेटा, वो तो देखिए ऐसे होता, अगर 8/10 होता है ना तो होता 0.8, यहाँ पर 10 ऊपर है तो ऐसा नहीं होगा। काटना है इसे, मतलब कट करना है। 5/4। वेरी गुड, 5/4। ठीक है, वेरी गुड, कैसे हुआ? तो इसके लिए बच्चों आपने जो एक बात हमेशा याद रखनी है वो आपने ये याद रखनी है कि ऐसी संख्या ढूंढे, ऐसी संख्या जिससे हमारा जो अंश और हर एक साथ भाग हो। ठीक है, ऐसी संख्या ढूंढे जिससे क्या हो, जिससे अंश और हर दोनों एक साथ भाग होते हो। क्या होते हो? भाग होते हो। अब जैसे देखिए यहाँ पर कौन सी संख्या है जिसके जिससे जो है वो दोनों एक साथ भाग होते हैं, तो वो है 2, है ना। क्योंकि देखिए अगर मैं यहाँ पर 2 के पहाड़े में 10 भी आता है और 8 भी आता है, तो मतलब 2 से हम इसे भाग देंगे। अगर मैं आपको बोलूँ क्या हम इसे 4 से भाग दे सकते हैं, क्योंकि 4 के पहाड़े में 8 तो आता है, तो क्या हम इसे 4 से काट दें दोनों संख्याओं को? क्यों बेटा, क्यों नहीं काट सकते? क्योंकि 4 के पहाड़े में 10 नहीं आता। वेरी गुड, क्योंकि 4 के पहाड़े में 10 नहीं आता। अच्छा आपने कहा 4 के पहाड़े में 10 नहीं आता, तो चलिए 5 से कर लेते हैं, 5 के पहाड़े में तो 10 आता है ना, क्या 5 से कर सकते हैं? 5 के पहाड़े में 8 नहीं आता। हाँ वेरी गुड, 5 के पहाड़े में 8 नहीं आता, तो सिर्फ 2 ही एक ऐसी इकलौती संख्या है जिसके पहाड़े में जो है वो 10 भी आ रहा है और 8 भी आ रहा है, इसलिए हम जो है इसको 2 से काटेंगे। चलिए काटते हैं, 2 का पहाड़ा पढ़ना है आपने और 10 आना चाहिए, तो वो कहाँ आता है? तो 2 × 5 = 10। ठीक है, यहाँ पर आप ना तो 2 लिखेंगे ना तो 10 लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे भागफल। ठीक है, क्वोशेंट, मतलब कि 2 से काट रहे हैं, तो 2 को आपने किससे गुणा किया होगा कि 10 आया होगा? 5 से, तो यहाँ हम काट करके 5 लिख देंगे और नीचे कितना लिख देंगे, 2 × 8, कितना लिख देंगे, 2 × 8। तो इसलिए देखिए हमने यहाँ पर इसको बड़ी आसानी से काट दिया। अब क्या 5 और 4 को हम और काट सकते हैं? नहीं काट सकते। तो बेटा मैम 2 के पहाड़े में 4 रहता है पर 5 नहीं आता, 4 के पहाड़े में 4 आता है पर 5 के पहाड़े में 5 = 4 नहीं आता। वेरी गुड, बहुत अच्छा इन्होंने बताया, क्योंकि देखिए ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसके पहाड़े में मतलब दोनों आते हो। 5 सिर्फ 5 के ही पहाड़े में आएगा और 4 सिर्फ 2 और 4 के पहाड़े में ही आएगा, इसलिए अब इनको हम और ज्यादा बच्चों नहीं कट कर सकते। ठीक है, तो अभी टाइम तो हो चुका है, पर आप मुझे एक चीज यहाँ पर कट करके बताएंगे, फिर हम क्लास को एंड कर देंगे। चलिए 20/10 है, इसे काटिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, बाकी बच्चे भी बताएं, बाकी बच्चे भी बताएं अगर आपने काटा है तो। 2/1 मैम। क्या, और 2/1 को हम कैसे लिख सकते हैं? सिर्फ 2 लिख सकते हैं सिर्फ। वेरी गुड, देखिए क्योंकि यहाँ पर 10 * 10 = 10, 10 × 2 = 20, तो यहाँ पर हम इसको 2 लिखेंगे, या फिर हम इसे ऐसे भी काट सकते हैं जैसे बाकी बच्चे भी काट रहे होंगे, 2 से काटिए। चलिए 2 से काटते हैं, तो 2 × 5 = 10,
दो दस से बीस, ठीक है, हमारे पास क्या बच गया, दस बच गया और यहाँ पांच बच गया, तो अब इसे फिर से काटे तो पांच एकम पांच, पांच दूनी दस, तब भी हमारे पास आंसर दो ही आया है और यहाँ भी आंसर दो ही आया, मतलब दोनों आंसर सेम है। तो काटने का तरीका जो मर्जी हो, बस आपने एक चीज ध्यान में रखनी है कि ऐसी संख्या लीजिए जिससे दोनों कट सकते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, किसी बच्चे का कोई भी डाउट है तो वो क्लास में रुक के मुझसे अपना डाउट पूछें, किसी बच्चे का कोई डाउट नहीं है तो बच्चों आप क्लास को जो हो वो लेफ्ट कर सकते हो, ठीक है, और सभी बच्चे अपना होमवर्क जरूर भेजा करें।